हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, थंडर ट्यूबुलेशन काफी पावरफुल था, लेकिन लास्ट में इस प्लेन के मास्टर से बात करने के बाद तांग सांग सक्सेसफुली थंडर ट्यूबुलेशन को क्रॉस कर लेता है और फाइनली इस वर्ल्ड में भी तांग सांग गॉड लेवल पे चला जा चुका है। ये मी वोंजी से मिलने व्हाइट टाइगर एम्परर के पैलेस में गया हुआ था। अब आगे इतने समय के बाद और काफी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद मिलने पे दोनों एक दूसरे के गले काफी टाइम तक लगे रहते हैं। व्हाइट टाइगर डेमन एम्परर भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर दोनों अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये तीनों अब बैठ जाते हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर भी काफी सारे क्वेश्चन तांग सांग से करना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्रिस्टल डीमन एम्परर मी गोंजी को सपोर्ट क्यों कर रही थी? ये तो पता है तुम्हारे कारण से, मगर दूसरे एम्परर इसे क्यों सपोर्ट कर रहे थे? खास करके डार्क डीमन एम्परर, चिंगफिंग डीमन एम्परर और इमॉर्टल डीमन एम्परर, इन तीनों का कुछ भी लेना देना नहीं है मी गोंजी से। और एक तो तुम दोनों को किल करने का भी ट्राई किया था। तांग सांग कहता है ठीक है, और ये मी गोंजी को कहता है याद रहे मैं तुम्हारे बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सुनकर ज्यादा एक्साइटेड तुम मत हो जाना और तुम सैड भी मत होना। व्हाइट टाइगर एम्परर भी सोचते हैं इसका बैकग्राउंड इतना खास हो सकता है, मी गोंजी तो एक ह्यूमन है ना राइट? तांग सांग कहता है तुम अपने मदर से ये पूछ सकती हो, ये कंफर्म करने के लिए जो भी मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, तुम्हारे फादर पीकॉक डेमन किंग नहीं थे। ये सुनकर व्हाइट टाइगर डेमन एम्परर भी सरप्राइज है कि वो नहीं है तो फिर कौन है? तांग सांग कहता है लॉर्ड व्हाइट टाइगर एम्परर, आपको तो याद होगा कि उस टाइम पे शू किंग किसे पसंद करती थी। ये सुनकर ये कहते हैं लिंग शिमो, ये जिंगफिंग डेमन एम्परर का रियल नेम है। तांग सांग सब थिंग्स सच बता देता है कि उस टाइम पे जब शू किंग प्रेगनेंट थी, जब उनका बच्चा हुआ यानी कि मी गोंजी हुई, ये दोनों ही डेंजर में थे। उस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग हेल्प करने आगे आए थे एक कंडीशन के साथ में कि शू किंग को उनका वाइफ बनना होगा, और मी गोंजी के बॉडी से फिनिक्स लैंड के ब्लड को निकालकर वो पीकॉक लैंड के ब्लड को डाल दिए थे। जब जिंगफिंग डेमन एम्परर लौटे और देखे कि उनके लवर का शादी हो चुका है दूसरे के साथ में, फिर वो काफी गुस्सा हुए थे उस टाइम पे और वो इसका बदला भी लेना चाहते, इस कारण से ही वो पीकॉक लैंड पे अटैक भी किया करते थे। तांग सांग कहता है पीकॉक डेमन किंग का प्लान था कि वो तुम्हें यूज कर सिटी लॉर्ड बना दे और तुम्हारे सपोर्ट को गेन कर वो अपने क्लैन को आगे तक लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जब जिंगफिंग डेमन एम्परर को पता चलेगा फिर वो ना सिर्फ अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे बल्कि वो पीकॉक क्लैन को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये सुनकर मी गोंजी भी काफी सरप्राइज होती है कि इसका लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है इस वर्ल्ड में। इधर व्हाइट टाइगर डेमन एम्परर भी काफी गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी बेटी उस टाइम पे क्यों भाग गई थी, क्या मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता था, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था? अगर उस टाइम पे मुझे पता होता फिर मैं जिंगफिंग डेमन एम्परर को मार देता उस टाइम पे मेरी बेटी को छोड़कर जाने के लिए। अगर वो डेमन किंग अभी मरा नहीं होता फिर आज वो मेरे हाथों खुद ही मर जाता मेरी बेटी के साथ में ऐसा डील करने के लिए। व्हाइट टाइगर डेमन एम्परर कहते हैं बच्चे तुम भी काफी प्लान करते हो, ध्यान रहे अगर तुमने मेरी पोती के साथ में भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ काम किया फिर सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। तांग सांग कहता है डोंट वरी, मैं सिर्फ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही जीता हूँ। आगे तांग सांग कहता है इस कारण से जिंगफिंग डेमन एम्परर मी गोंजी को सपोर्ट कर रहे थे। व्हाइट टाइगर एम्परर फिर डार्क डेमन एम्परर के बारे में पूछते हैं। इस पर तांग सांग कहता है कि आपने कभी भी सी गॉड के बारे में सुना है? ये सुनकर ये कहते हैं क्या वो रियल है? तांग सांग कहता है हाँ बिल्कुल वो रियल है। उस दिन जब हम एंसेस्टर कोर्ट से जा रहे थे डार्क डेमन एम्परर ने हमें किल कर ही दिया था, मगर सी गॉड के कारण से हम बचकर भाग भी सके थे और उन्होंने डार्क डेमन एम्परर को छोड़ दिया था ताकि ये फ्यूचर में मी गोंजी को वोट दे सके ट्रायल के समय में। तांग सांग कहता है मैं सी गॉड का इनहेरिटर हूँ, इस कारण से भी मुझे ये बात पता है। तांग सांग आगे कहता है इमॉर्टल डेमन एम्परर ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मी गोंजी जिंगफिंग डेमन एम्परर की बेटी है, तो फिर टेक्निकली ये उनके क्लाइन से ही हुई। और जब मी गोंजी ने यू वे को डिफीट किया था ट्रायल में फिर वो समझ गए थे कि मी गोंजी फ्यूचर में एम्परर भी बन सकती है, इसका टैलेंट काफी अच्छा है। अगर ऐसा होता है फिर इनके क्लैन में तीन एम्परर भी आ जाएंगे। अगर वो मी गोंजी को अपने साइड कर सके फिर इनका क्लैन भी काफी पावरफुल क्लैन बन सकता है। ये काफी सारी रिसोर्सेज को देकर ये मी गोंजी को अपने तरफ करने का सोचेंगे ऐसा मुझे लगता है। व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं सच में तो ये सब चल रहा था मेरे पीछे और मुझे पता भी नहीं था, तुमने सभी सिचुएशन को सही तरीके से गेस किया है। तांग सांग मी गोंजी को देखता है जो कि काफी सैड इस टाइम पे फील भी कर रही है अपने न्यू फादर के बारे में जानकर। तांग सांग कहता है तुम्हें याद है मैंने क्या प्रॉमिस किया था, मैं गॉड लेवल पे आ चुका हूँ, मैं पीकॉक डेमन किंग को रिवाइव भी कर सकता हूँ, लेकिन उनका कल्टीवेशन लॉस्ट हो जाएगा, तुम्हें सैड फील करने का जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अगेंस्ट काफी थिंग्स प्लान कर रहा था, हालांकि उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हारा देखभाल भी किया है, इसलिए मैं उसे रिवाइव कर दूंगा, फिर तुम्हें सैड फील करने का जरूरत नहीं है, उसने जो भी हेल्प किया है वो सब चुक जाएगा जब मैं उसे रिवाइव कर दूंगा। तो फिर व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं ठीक है तुम काफी टैलेंटेड हो, मगर याद रहे आगे यहाँ से तुम दोनों को काफी केयरफुल रहना होगा और साथ ही ह्यूमन पे फोकस करना बंद कर दो, नहीं तो फिर आगे तुम्हें काफी प्रॉब्लम ही हो सकता है। ये तांग सांग को कहते हैं अगर इसे मी गोंजी के साथ में रहना है फिर इसे खुद के ब्लड को भी मॉन्स्टर में चेंज करना होगा, मतलब कि इसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना होगा तभी जाकर ये मी गोंजी के साथ में रह भी सकेगा। और अगर ऐसा तांग सांग करता है फिर इसे एंसेस्टर कोर्ट को भी लगेगा कि मी गोंजी मॉन्स्टर के साइड में है। हालांकि ये सुनकर मी गोंजी कहती है नहीं मैं ह्यूमन हूँ और मैं ह्यूमन ही रहूंगी। ये सुनकर व्हाइट टाइगर एम्परर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या
अटैक करोगे ह्यूमन होकर? फिनिक्स क्लैन, व्हाइट टाइगर क्लैन और पीकॉक क्लैन या फिर ह्यूमन? चुन लो इनमें से क्या तुम्हें बनना है। अगर एंसेस्ट्रल कोड ह्यूमन को खत्म करना चाहे फिर ये तुरंत ही कर सकते हैं। अगर तुम दोनों ह्यूमंस का इस तरह से हेल्प करते रहे फिर इससे एंसेस्ट्रल कोड एक दिन पूरे ह्यूमंस को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर दोनों काफी एंग्री होते हैं। तांग तांग कहता है, तो क्या आप अटैक करोगे ह्यूमंस पे? व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, तुम दोनों ने जो ह्यूमन सेटलमेंट रेस किया था उसे हैंडल कर दिया गया है। ये कभी नहीं हो सकता इस वर्ल्ड में। एंसेस्ट्रल कोड कभी भी ह्यूमन रेस से किसी भी एम्परर को जन्म लेने नहीं देगा। इस वर्ल्ड में सिर्फ डीमन और स्पिरिट ही एम्परर बन सकेंगे और दूसरे रेस से हमेशा ही स्लेव बने रहेंगे। यही फाइनल है। तांग संग कहता है, किसने अटैक किया है ह्यूमन सेटलमेंट पे? इस पर व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, क्या हो अगर वो मैं रहूं फिर? ये सुनकर तांग संग अपने ऑरा को रिलीज करता है। इसका डिवाइन पावर भी रिलीज होता है। इसका व्हाइट और ब्लैक एनर्जी रिलीज होता है। व्हाइट टाइगर एम्परर तांग संग के ऑरा से सप्रेस होने लगते हैं और ये इसके प्रेशर को हैंडल भी नहीं कर पा रही है। तांग संग काफी किलिंग इंटेंट को शो करता है। व्हाइट टाइगर एम्परर जान रहे हैं कि तांग संग खुद के पावर को हाइड किए हुए है, मगर इतना ज्यादा ये अपने पावर को हाइड किए हुए होगा ये भी नहीं सोच रहे थे। ये अभी भी नहीं जान पा रहे हैं कि तांग सांग कौन से लेवल पे है। व्हाइट टाइगर एम्परर फील करते हैं कि तांग सांग का ब्लड लाइन इनके ब्लड लाइन को सप्रेस कर रहा है और ये समझ जाते हैं कि अगर ऐसा है फिर ये सुपर ब्लड लाइन है। इन्हें अभी भी याद है कि टिहानु एम्परर ने क्या कहा था। अभी ये तांग सांग से येन और यांग पावर को भी फील करते हैं। इधर तांग सांग इस टाइम पे अपने हाथों को आगे करता है और इसके हाथ में पापा कलर का लाइट आता है। ये टावर ऑफ टाइम एंड स्पेस है। जब तांग सांग ऐसा करता है फिर ये व्हाइट टाइगर एम्परर के इनका थोड़ा डिवाइन सेंसर को खींचता है और ये इनके डिवाइन सेंसर को यूज कर इनकी मेमोरी को एक्सेस करता है। और जब ऐसा तांग संग करता है फिर ऊपर एयर में एक स्क्रीन बनकर रेडी होता है और इस स्क्रीन पे व्हाइट टाइगर एम्परर का पास्ट मेमोरी दिखने लगता है। मी गोंजी भी सीन को देखती है। व्हाइट टाइगर एम्परर और साथ ही टिहानु एम्परर दोनों ही ह्यूमन सेटलमेंट गए थे। टिहानु एम्परर अपने पावर को रिलीज करता है। इसका डिवाइन पावर रिलीज होता है और सभी ह्यूमंस को यहाँ पे किल कर देता है। तांग संग सीन को देखकर कहता है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वो तुम नहीं थे, नहीं तो आज तुम बचते भी नहीं। ये सुनकर व्हाइट टाइगर एम्परर भी गुस्सा हो जाता है और तांग संग को पीछे पुश करता है और एक जोरदार पंच थ्रो करता है। ये देखकर तांग संग भी अपने जिंगमेंग स्किल को यूज करता है और साथ ही लाइगर स्किल को भी यूज करता है। पंच काफी सॉलिड था। इधर तांग संग का डिफेंस भी काफी सॉलिड था, इस कारण से भी ये एक एम्परर के पंच को रोक भी सका है। तांग संग अपने गोल्डन टाइटन के पावर को रिलीज करता है। ये देखकर मी गोंजी भी कहती है, बस बहुत हुआ, क्या करना चाहते हो तुम दोनों? क्या तुम दोनों यहाँ पर दूसरे एम्परर को भी कॉल करना चाहते हो? इस तरह के पावर को रिलीज करके तांग संग कहता है, एक बार में ही काफी सारे ह्यूमंस को मार दिया गया है। कम से कम 10,000 से भी ऊपर ह्यूमंस मरे होंगे। इस कारण से ये खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। इस टाइम पे व्हाइट टाइगर एम्परर भी तांग संग के पावर को देख चुके हैं और ये फील कर चुके हैं। इन्हें याद है कि टिहानु एम्परर ने क्या कहा था। उस दिन जो पर्सन ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कॉल किया था उसके पास काफी सारे ब्लड लाइन्स का एबिलिटीज है। ये सोचकर ये तांग संग की ओर एक बार फिर से देखती है और ये डर जाते हैं कि ये बच्चे ने उस दिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार किया था, ना कि कृष्ण डिमन एम्परर ने। ये बच्चा कैसे कर सकता है? कितना पावरफुल है ये? और क्या सच में सी गॉड इतना पावरफुल है? ये बच्चा फ्यूचर में कितना पावरफुल बनेगा? फिर उस दिन काफी एम्परर मिलकर भी कुछ भी नहीं कर सके थे। ये सोचते हैं, क्या ह्यूमन सच में इतने पावरफुल भी होते हैं? व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, लगता है कि मुझे तुम्हें अभी ही खत्म कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तांग संग कहता है, तुम ट्राई कर सकते हो। व्हाइट टाइगर एम्परर मी गोंजी से पूछते हैं, क्या तुम इसके साथ में रहना चाहती हो? ये सुनकर मी गोंजी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहती। ये देखकर ये कहते हैं, ठीक है तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। ये सोचा करते थे इनकी पोती काफी टैलेंटेड है, मगर जब ये तांग संग को देखे फिर इन्हें भी समझ में आ गया कि तांग संग के आगे तो कोई भी कुछ भी नहीं है। इतना पावरफुल ये बच्चा कैसे हो सकता है और एक एम्परर लेवल के पंच को ये कैसे ब्लॉक कर सकता है? गॉड लेवल पर होकर भी ये समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात तो ये जान चुके हैं कि क्यों टिहानु एम्परर इतना चिंता किया करता है मी गोंजी को लेकर। क्यों वो कहा करता था कि मी गोंजी के कारण से पूरा ही एंसेस्टर कोड डिस्ट्रॉय हो सकता है, और आज जाकर इन्हें भी समझ में आ गया है कि मी गोंजी वो खतरा नहीं है, लेकिन मी गोंजी के साथ में ये बच्चा ये रियल डेंजर है। ये पूरे ही एंसेस्टर कोड को अकेले ही डिस्ट्रॉय करने का हिम्मत रखता है। इधर तांग संग और मी गोंजी दोनों ही गोल्डन वैली में आ जाते हैं। तांग संग भी नहीं सोच रहा था कि टिहानु एम्परर ये ह्यूमन सेटलमेंट में आकर सभी ह्यूमंस को किल कर देगा। ये सोचता है, क्या इसके फ्रेंड्स सही सलामत होंगे या नहीं? दुबई मूविंग चैंगजी S5 मेयर, क्या ये सभी सही सलामत है भी या नहीं? मी गोंजी इस टाइम पे रो रही है और कहती है, ये सब मेरी गलती है। तांग संग कहता है, नहीं मुझे अच्छे से प्लान करना चाहिए था। तांग संग मी गोंजी को शांत करता है और कहता है, मैं जाकर चेक करता हूँ आगे के थिंग्स को। और तांग संग मी गोंजी को व्हाइट टाइगर एम्परर के पैलेस में जाने को कहता है। तांग संग से कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मैं तुम्हें पहले वहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर मैं इन थिंग्स को पता करता हूँ। तांग संग कहता है, मेरा एबिलिटी उनके सामने एक्सपोज हो गया है, तुम्हें उनके पास में जाना चाहिए और उन्हें शांत करना।
जाइए। तुम्हें देखना होगा कि कहीं वो एनिमी के साइड को जाकर ज्वाइन ना कर ले। मिगोंजी को समझाने के बाद ये पहले से छोड़ने निकल जाता है और ये टेलीपोर्ट होकर वापस से व्हाइट टाइगर होटल में आ जाता है। होटल में आने के बाद तांगसांग इसे कहता है, हमें अभी भी काफी हार्ड वर्क करना होगा, जब तक कि हम एक एम्परर नहीं बन जाते हैं हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कभी भी नहीं कर सकेंगे। थोड़ी देर में ही व्हाइट टाइगर एम्परर भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर वापस से तांगसांग रिस्पेक्टफुली बात करता है। ये तांगसांग को देखकर कहते हैं, तो फिर तुम दोनों वापस आने का डिसाइड कर लिए हो। तांगसांग से पूछता है, आप ह्यूमन बींग को हमेशा ही स्लेव बनाकर क्यों रखना चाहते हो? हम ह्यूमंस को कोई लो लेवल मॉन्स्टर का स्टेटस क्यों नहीं दे देते? इस पर व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, मैं तुम्हें वही आंसर देता हूँ जो मुझे टीहानू एम्परर ने आंसर किया था। उसने एक बार मुझसे कहा था, ह्यूमन बींग काफी वीक होते हैं मगर इनके पास जो इंटेलिजेंस है ये इस वर्ल्ड के सभी रेसेस से काफी ज्यादा है और साथ ही इनका रिप्रोडक्शन काफी फास्ट होता है दूसरे रेस के कंपैरिजन में, तो फिर इनका आबादी भी काफी फास्ट इंक्रीज कर जाता है। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए फिर आगे चलकर ये काफी बड़ा डेंजर भी बन सकते हैं, जैसा कि तुम निकलकर सामने आए हो। तांगसांग इन्हें कहता है, मैं इस बात को तो समझ सकता हूँ, हर वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग वीक को टारगेट करता ही है, ये कोई नया बात नहीं है। मैंने इस वर्ल्ड के मास्टर को प्रॉमिस किया है इस प्लेन को बैलेंस रखने का और इस प्लेन को गॉड रियल में इवॉल्व करने का। मैं मॉन्स्टर रेस के अगेंस्ट नहीं हूँ। इस वर्ल्ड में एक ही थिंग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और वो है मिगोंजी। जब तक ये सही सलामत है मुझे कोई भी परवाह नहीं, व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं। इतना कुछ मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा? तांगसांग कहता है, अगर मैं जाना चाहूँ यहाँ से फिर आप तो क्या कोई भी एम्परर मुझे रोक नहीं सकेगा। हालांकि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा लेकिन फ्यूचर में जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा फिर मैं जरूर ही ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करूंगा। तांगसांग से कहता है, अब आप मेरे काफी सीक्रेट्स को जान चुके हो, मेरे सुपर ब्लड लाइन के बारे में भी आप जान चुके हो। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जब आपका ब्लड लाइन म्यूटेट हुआ था फिर इसका ओरिजिन क्या था? उस टाइम पे टाइगर क्लैन आपको कैसे ट्रीट करते थे? तांगसांग कहता है, मैं टाइगर क्लैन के सिचुएशन के बारे में जानता हूँ, उनके जैसा ही आपका भी ब्लड म्यूटेटेड है और साथ ही आपका कोई भी रिलेटिव नहीं है, सिर्फ एक ही व्हाइट टाइगर है और वो हो आप है। आप शो क्वीन को और मिगोंजी को इसलिए इतना पसंद करते हो क्योंकि ये दोनों ही आपकी डायरेक्ट डिसेंडेंट है, ये दोनों ही सिर्फ आपकी फैमिली है। फ्यूचर में मैं मिगोंजी और साथ ही शो क्वीन इन्हें मैं लेकर हाईएस्ट प्लेन में चला जाऊंगा जहाँ पे दोनों इमोर्टल लाइफ को जी सकते हैं। आप चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। ये सुनकर ये भी सरप्राइज होते हैं। तांगसांग कहता है, मैं अपने बात को प्रूव करता हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, और ये अपने हाथों को आगे करता है और वापस से पापा लाइट शाइन करता है और इसमें तांगसांग का ब्लू सिल्वर एम्परर स्कल भी दिखता है सेंटर में और इसके आसपास तांगसांग के 8 स्कल्स भी रोटेट करते हैं। इसमें से एक स्कल शाइन करता है और इसमें से क्रिस्टल गर्ल निकलकर सामने आती है। मिगोंजी भी फर्स्ट टाइम क्रिस्टल गर्ल से मिल भी रही है। यह क्रिस्टल गर्ल जिंजिंग है। इधर व्हाइट टाइगर एम्परर भी इसे देखते हैं और ये भी काफी सरप्राइज होते हैं जिंजिंग को देखकर, और ये इसे देखकर कहते हैं, आंट जिंग। ये इसे पहचान लेते हैं कि ये क्रिस्टल डिमन एम्परर है। जिंजिंग आकर सोफा पे बैठ जाती है। व्हाइट टाइगर एम्परर को तो यकीन नहीं होता कि ये अभी भी जिंदा है। तांगसांग ने जो अनदर वर्ल्ड का बात किया है इस पे ये कभी भी यकीन नहीं करते, मगर जबकि ये क्रिस्टल डिमन एम्परर को इसके साथ में देख रहे हैं फिर इन्हें भी यकीन होने लगता है। ये क्रिस्टल डिमन एम्परर का काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जिंजिंग कहती है, इतना सोच क्यों रहे हो? तुम तांगसांग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एक बात तो पक्का है कि फ्यूचर में ये काफी पावरफुल बनेगा, कोई भी इसका सामना नहीं कर सकेगा। अगर ये तुम्हें कल करना चाहेगा फिर तुम भी बच नहीं सकोगे। तुम इसे एक डिमन किंग के लेवल के जैसे मत देखो, ये इस लेवल पे होकर भी काफी थिंग्स कर सकता है। अगर तुम इसका साथ नहीं देना चाहते हो फिर इसके अगेंस्ट भी खड़े मत हो। ये कहने के बाद जिंगजिंग कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ स्लीप में। हालांकि क्रिस्टल डिमन एम्परर क्लियरली सभी थिंग्स को नहीं बोली है, मगर इनके कहने के बाद व्हाइट टाइगर एम्परर को भी काफी इफेक्ट हुआ है और ये अब तांगसांग को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, उस दिन मैंने ऑलरेडी सुकिन को ये न्यूज दे दिया था तो शायद वो ऑलरेडी काफी ह्यूमंस को निकाल चुकी होगी। जब हम वहाँ पे गए फिर ह्यूमंस का नंबर क्लियर नहीं था लेकिन हाँ काफी सारे मारे गए थे। ये सुनकर तांगसांग भी सरप्राइज है कि इन्होंने ह्यूमंस का हेल्प करने का सोचा। व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, मेरे बच्चे नहीं हो सकते, कोई भी टाइगर क्लैन से कोई भी टाइगर वुमन मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है लेकिन ह्यूमन बीइंग ने जन्म दे सकती है। इस कारण से भी मेरी एक बेटी है और उसका नाम सुकिन है और मेरी बेटी की एक बेटी भी है जो कि मिगोंजी है। इस कारण से भी व्हाइट टाइगर एम्परर ह्यूमंस को लेकर थोड़ा सॉफ्ट है। ये सुनकर तांगसांग भी अब रिलीफ फील करता है और मिगोंजी को गुड बाय बोलकर ये चला जाता है वहाँ के सिचुएशन को चेक करने के लिए। इसे जाता हुआ देखकर व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, ये फ्रीक तुम्हें कहाँ से मिला? मिगोंजी भी सोचती है अब ये अपने ग्रैंडपा को क्या बताए कि ये अनदर वर्ल्ड से आया है और ये इसका हस्बैंड हुआ करता था उस वर्ल्ड में। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनिमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।